हमें एक टेंशन क्या होता है कि मैं 10 घंटे सर पढ़ना चाहती हूँ, मैं 8 घंटे पढ़ना चाहती हूँ, पर बच्चे भी हैं, जॉब भी है, परिवार भी है, खाना भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देकर जा रहा हूं। आप कभी भी क्वांटिटी पे काम ही ना करें, आप हमेशा क्वालिटी पर काम करें। कभी ये मत सोचिए कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगी तो ही सिलेक्शन होगा, 15 घंटे पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ये बिल्कुल गलत बात है। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कई गुना बेहतर है कुछ होना, है ना। आप जितना पढ़े अच्छे से पढ़े, रिलैक्स होकर पढ़े, लोड लेकर ना पढ़े, नेगेटिविटी के साथ ना पढ़े, किसी से कंपेयर ना करें, किसी से तुलना ना करें कि वो ऐसा कर रही है, वो इतना पढ़ रही है। इस तक अभी कई वीडियोस भी पहुंचे जिसमें कुछ हाउसवाइफ्स हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, अपना डेली रूटीन भी शेयर करती है, फिर हम उनसे कंपेयर करते हैं, अरे यार कितना अच्छा है, कितने अच्छे से मैनेज कर रही है, एक हम हैं परेशान है। नेवर कंपेयर, कभी किसी से तुलना मत करिए। सबकी अपनी परिस्थितियां हैं। कई बार जो दिखता है वो अक्सर नहीं होता है, क्योंकि तकलीफें परेशानियां हर किसी के जीवन में हैं। सोशल मीडिया दुनिया ही ऐसी है ना, सोशल मीडिया पे कोई बुरी बात दिखाता है क्या? रोते हुए तस्वीर कौन डालता है? हमेशा जब आप मुस्कुराओगे, हमेशा कोई अच्छे फंक्शन में होगे, वहीं की फोटो डालोगे ना। आप जब परेशान हो तो वो तस्वीर कोई भी नहीं डालता। जबकि हर किसी के जीवन में दोनों फेस चलते हैं, उतार चढ़ाव, सुख दुख, है ना, ये सब चलता रहता है। एक चीज खुद से कहिए कि भाई हमारा लेबल जो भी रहा हो, हमने आज तक स्कूल में जो भी सीखा हो, हमने कितने ही साल से पढ़ाई बंद करके रखी हो, हमारे ऊपर कितनी ही जिम्मेदारियां हो, एक बात खुद से कहिए कि मेहनत करके सब हासिल कर लेंगे। मेहनत करेंगे ना, मेहनत में क्या दिक्कत है? मेहनत करने से आप हर चीज से लड़ सकते हो, है ना। और एक चीज समझिए कि जो स्थिति आपकी है, हर एक को लगता है कि उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी तकलीफ भगवान ने मुझे ही देके रखी है। आपको बता दूं, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, अगले दिन 8 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ाई नहीं करी, फिर 7 घंटे पढ़ लिया, फिर 6 घंटे पढ़ लिया, फिर 3 दिन होली की छुट्टी मार दी, फिर 4 घंटे पढ़ लिया, फिर कहीं निकल गए। इससे कई गुना बेहतर है रोज 2 घंटे पढ़ना। इसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इसका सिलेक्शन शायद ही हो पाएगा। टुकड़े टुकड़े कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा। रेगुलर पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, लगातार एफर्ट्स लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है, लगातार चलते रहना सबसे इंपॉर्टेंट है, है ना। स्पीड कम ज्यादा होगी थोड़ी बहुत वो चलेगा, लेकिन किसी दिन गाड़ी चल रही है, किसी दिन गाड़ी चली नहीं रही है, किसी 2 दिन तक गाड़ी रुकी हुई है, फिर थोड़ी सी धक्का मार के आगे बढ़ा दी, आपको लगता है कि ये गाड़ी कभी पहुंच पाएगी उसके स्टेशन पे? थोड़ा थोड़ा चलते रहोगे आप पहुंच जाओगे, रुकते धक्का मारते चलोगे बहुत कम उम्मीद है कि आप चल पाएंगे। एट दी एंड, रात को आपको संतुष्टि ये होनी चाहिए कि मैं जितना अच्छा कर सकती थी आज, जितना अच्छा मैं कर सकती हूं उतना मैंने किया। अपने को संतुष्टि होना चाहिए, यार 1 घंटे पढ़े लेकिन मस्त पढ़े आज। आखिरी में आपको ये आना चाहिए कि वो नहीं होना चाहिए कि यार आज 5 घंटे मिले थे, ये साला मोबाइल 3 घंटे इसने खराब कर दिया, आज 2 ही घंटे पढ़ पाए। जब आपको पता है कि वैसे ही जीवन में अपने पास समय कम है पढ़ने को, फिर भी मोबाइल में अगर समय खराब कर रहे हैं तो फिर गलत है। और अगर जिम्मेदारियों के, काम के, बच्चों के कारण, जॉब के कारण, किसी चीज के कारण आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, जितना समय निकाल पा रहे हैं उसमें आपको ईमानदारी से कि यार दिन भर में मैं 3 घंटे या 4 घंटे ही निकाल सकती थी और इतना मैंने पढ़ा, मैं खुश हूं, मोबाइल चलाइए, आधा घंटा 1 घंटा बहुत ज्यादा है अगर इतना समय है तो, नहीं तो सब छोड़िए। ऑलरेडी आप या तो यूट्यूब से पढ़ते होंगे, या आपने विनर्स से जुड़ गए होंगे, या कोर्स आपने कहीं ले लिया होगा, तो आपके पास वैसे ही पढ़ने को बहुत कुछ है। आपको पढ़ना भी है, फिर आपको नोट्स भी बनाना है, फिर आपको रिवीजन भी करना है, फिर प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं, पुराने पेपर्स भी देखने, कितना काम है आपके पास। उसके बाद भी मोबाइल चलाओगे 2-2, 3-3 घंटे, तो फिर तो यार बड़ी शर्म की बात है, है ना। इसका मतलब है कि हम सीरियस अभी तक नहीं हो पाए हैं, हम अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं है। दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं कि बस वैकेंसी आ जाए, दूसरे प्रकार के लोग बोलते हैं वैकेंसी तो आए, नोटिफिकेशन तो आए, तब हम सीरियसली पढ़ाई करेंगे। ये लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, है ना। बिना आग लगे कुआं खोद के रखना है, आग लगने पर कुआं खोदना समझदारी नहीं है, खोद कर रखना है, क्योंकि आग तो लग सकती है। तैयार रहना है, अपने आप को तैयार रखना है। आप तो ये मान के चलिए कि भैया 4 महीने बाद हमारा एग्जाम है, उस हिसाब से तैयारी करिए बजाय किसी चीज की चिंता करें। उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, है ना।
बाकी और बातें करेंगे, और आपको कोई आपकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उन पे बात करेंगे। और इन्हीं सब को चीजों को लेकर मैं एक घंटे का सेशन एप्लीकेशन पे रख रहा हूं, अगले हफ्ते आपको जानकारी मिलेगी, जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट कैसे पढ़ें, किस विषय को कितना समय दें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, बहुत सारे सवाल होते हैं, किस विषय को कैसे मजबूत करें। तो एक घंटे का सेशन मैं एप्लीकेशन पर रखूंगा अगले हफ्ते, जिन्होंने भी बैच लिया है तो आप वहां पे जुड़ जाएगा। मुझे लगता है आप सभी लोग जनरली जुड़ी गए होंगे विनर्स के साथ, तो वहां पर हम मिलेंगे।